कुमाऊं के सबसे बड़े एसटीएच अस्पताल में मानसिक रोग विभाग डॉक्टर के अभाव में बंद हो गया है। अब इस विभाग को कोविड वार्ड में बदला जा रहा है, जिसमें 16 बेड भी लगा दिए गए हैं। दरअसल कुमाऊं भर के मानसिक रोग से ग्रस्त मरीज एसटीएच में अपना इलाज करवाने आते थे, जहां रोजाना 70 से 80 मरीजों की ओपीडी होती थी। मानसिक रोग विभाग बंद होने की वजह से गंभीर मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई डॉक्टर व्यक्तिगत कारणों के चलते या कथित अंदरूनी राजनीति के चलते विभाग छोड़कर जा चुके हैं। कुछ महीने पहले विभाग के एचओडी डॉक्टर एचसी गोदियाल भी रिटायर हो चुके हैं, जबकि विभाग में तैनात एकमात्र एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आजमीन आज व्यक्तिगत कारणों के चलते छुट्टी पर हैं। इसकी वजह से विभाग में सन्नाटा छाया हुआ है। राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी का कहना है कि मानसिक रोग विभाग में तैनात एकमात्र डॉक्टर छुट्टी पर हैं। गंभीर मरीजों को मेडिसिन विभाग के डॉक्टरों द्वारा इलाज मुहैया कराया जा रहा है। जल्द ही विभाग में कुछ डॉक्टरों के ज्वाइन करने की उम्मीद है, जिसके बाद मरीजों का आसानी से इलाज मिल सकेगा। मानसिक में एक्चुअली हमारे यहाँ इस टाइम एक कंसल्टेंट थी सेक्रेटरी में जो कार्यरत हैं, लेकिन वो मेटरनिटी लीव में गई हैं तो वो नहीं आ पाती हैं। तो कुछ मरीज़ जो आते हैं जो फॉलोअप के होते हैं वो तो उनको उससे हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन अगर मान लो फिर भी जो होते हैं तो मेडिसिन विभाग के तहत जो इमरजेंसी है वो देख लेंगे, वो कर लेते हैं सब लोग। अब फिर भी किसी को फाइनल ओपिनियन चाहिए तो फिर कहीं और अस्पताल में रेफर करना पड़ता है। लेकिन शायद अभी जो नए सिलेक्शन हुए हैं उसमें सेक्रेटरी पोस्ट एक सेंक्शन अब आर ज्वाइन करेंगे तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इससे।